गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11, सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। चैप्टर नेम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसे स्टार्ट करूंगा। कुछ सिलेबस आपका कम हो गया है, नेक्स्ट लेवल जो आपका उसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनका डिफाइन करेंगे पहले, इसके बारे में उसकी ऐसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एक नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको नोट करेंगे, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, वेयर ए इज अ रियल नंबर एंड आई बी इज अ इमेजिनरी नंबर। एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर प्लस एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इसमें आया है हमारा आई इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अ गिवन नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी इफ इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव। एक नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं यदि हम उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं और वो नंबर हमें फाइंड होता है नेगेटिव, तो हम बोल कर सकते हैं वो नंबर किस टाइप का नंबर है आपका? इमेजिनरी नंबर। यानी अ गिवन नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी इफ इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट माइनस वन, इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे देन माइनस वन टू द पावर टू एंड टू द पावर वन अपॉन टू। स्क्वायर यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, उसका पावर क्या होगा? वन अपॉन टू, टू 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 कैंसिल, इक्वल टू वैल्यू क्या होगा? माइनस वन। यानी मैंने स्क्वायर रूट माइनस वन का स्क्वायर फाइंड किया है तो वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारी? नेगेटिव। तो हो सकते हैं ये हमारा किस टाइप का नंबर है? रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी क्यों दिया था आपको? यदि इसका आपको कंजुगेट फाइंड करना है तो इसका वैल्यू होगा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का कंजुगेट होगा जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बार इज इक्वल टू ए प्लस आई बी निगेटिव। यहाँ पर ए प्लस आई बी का हो जाएगा ए माइनस आई बी। इसका तो मॉडलस ऑफ जेड, मॉडलस ऑफ जेड होगा इसका वैल्यू फाइंड करना हो ए प्लस आई बी। यहाँ नंबर दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडल फाइंड करते हैं तो होता है मॉड जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन पढ़ना है, कंजुगेट ऑफ जेड ही पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ जेड ही पढ़ना है, इसका पोलर फॉर्म भी आएगा वो भी हम बताएंगे आपको, पहले आपको इतना ही रीड करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज से। जो आपका एक्सरसाइज दिया गया है, आपकी बुक है वो आर एस अग्रवाल, आपकी बुक चल रही है क्लास 11 से, आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है, आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो आप ऐसे ही ओपन करेंगे तो ऐसे में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एवेन्यू, एवेन्यू आई टू पावर 19। इसको आपको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे आई का पावर क्या लगा हुआ है 19। तो कोई पावर हो पहले उसमें डिवाइड करेंगे 4 से 19 में, 4 4 जा 16 का एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, यहाँ पर 3 होगा आपका नंबर, उसको नोट कर सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3। यानी कि ये तो आपके कंप्लीट है आई, और इधर तक 3 क्या है आपका? रिमाइंडर नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई टू दी पावर 3। आई टू दी पावर 3 का वैल्यू क्या होता है इसको हमें देखना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो ये होगा आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन होता है इंटू आई, उसका वैल्यू कितना आ गया आपका? माइनस आई आ गया। अब ये सभी जो वैल्यू मैंने इसमें यूज की हैं ये कहाँ से पता चली हैं? इनको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ पहले। इसलिए जो आई होता है, आई का वैल्यू जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, आई टू दी पावर 4 का वैल्यू होता है प्लस वन। इनको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम देखेंगे आई स्क्वायर तो आपको क्लियर हो गया पहले से, जो आई क्यू लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे, आई क्यू इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू आप पहले देख चुके हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस आई। एंड आई क्यू का 4 जो वैल्यू होगा
आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर से फॉर्म होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्लस वन। तो यहाँ पर इस प्रकार से सबको वैल्यू को नोट कर सकते हैं, ये आपको नोट करना है आई इक्वल टू स्क्वायर माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यू इक्वल टू माइनस आई एंड आई टू पावर फोर इक्वल टू वन, इन सभी वैल्यू का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एवेन्यू स्क्वायर रूट माइनस वन टू द पावर 192 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे 192 में 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 4 जा क्या होगा 16 होगा, इधर पर नंबर क्या होगा 3, इधर पर होगा 2, 4 जा 32, इधर पर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा बेटा 0 आ रहा है, इसको नोट, ये तो कंप्लीट हो गया है, तो रिमाइंडर जो रहता है सिर्फ उसी को नोट कर लेते डायरेक्ट में, तो स्क्वायर रूट माइनस वन टू दी पावर क्या होगा ये 0। यदि किसी नंबर का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या आ जाता है प्लस 1, इसका ही आंसर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस आई टू दी पावर 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आई तो सिंपल फॉर्म में सेम नोट करेंगे प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस वन, आई टू दी पावर 4 इक्वल टू वैल्यू क्या होती है आपकी प्लस 1, इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से ज़्यादा पावर आता है तो आप उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड किया मैंने 6 में 4 बन गया 4, क्या रिमाइंडर है आपका 2, तो आई टू दी पावर क्या होगा ये 2, आई माइनस 1 प्लस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू होता है माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई माइनस वन टू प्लस वन कैंसिल इज इक्वल टू आई माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इसका क्वेश्चन नंबर 5A आप सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 5.2, इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ टाइप से हैं, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको सिंपलीफाई करना है और उस क्वेश्चन को ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। 2 (3+4i) + (5-6i) (3+4i) (5-6i) सेकंड ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे 2 (3+6), 2 (4+8i) (5+2i) (5y) + (6i)(2i) - (6i)² = 6+8i + (5y) - (6)(-1) तो होगा ये 6+8i + (5y) - (6)(12+13i) = 12+13i, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन क्वेश्चन और गिवन है इसमें, इसमें लिखा है सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, क्वेश्चन दिया गया आपको 2 + (√-3)² एक क्वेश्चन और दिया गया इसमें सिंपली 5-2i, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा 5-2i² इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a - ab (√-2)² + (b² - 2ab, यही आइडेंटिटी करेंगे तो a² + (-2i)² - 2 इसको सॉल्व करेंगे बेटा a² + (b² - 2 (a)(2b) = 25 + (4i² - 5 = 10 (10 = 20i) = 25
प्लस 4 इनटू आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस 20 आई इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस 20 आई इक्वल टू 25 माइनस 4 21 माइनस 20 आई इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आप एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज दिया गया 5.1 एंड 5.2 में 5a एंड 5b इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके।